श्री सुशील कुमार मोदी है। सेम सेक्स मैरिज, समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने के विरोध में के प्रयास का मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सत्य महोदय 33 से ज्यादा देशों ने समलैंगिक विवाह यानी सेम सेक्स मैरिज को मान्यता प्रदान कर दी है। इसी सप्ताह अमेरिका के सीनेट ने सेम सेक्स मैरिज के लिए कानून बनाया है। जापान इज द ओनली कंट्री इन G7 विच इज नॉट इनेक्टेड सेम सेक्स मैरिज। यहाँ तक कि एशिया के अंदर ताइवान जो है वो अकेला देश है जिसे समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की है। भारत में भी जो लेफ्ट लिबरल लोग हैं वो लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि सेम सेक्स मैरिज को मान्यता प्रदान की जाए। सभापति महोदय, भारत के अंदर विवाह की संस्था को पवित्र माना गया है और विवाह का मतलब होता है बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल फीमेल, उसके बीच का संबंध या सदियों पुराना हमारे जो रीति रिवाज रिचुअल्स हैं, जो हमारी प्रथाएं हैं, जो हमारी सांस्कृतिक है। द ऑनरेबल मेंबर इज टॉकिंग अबाउट मैरिज, यू नीड टू बी मोर केयरफुल। और सामाजिक मूल्यों का हिस्सा है। हिंदू धर्म में भी विवाह को डिवाइन ओरिजिन के रूप में माना गया है। उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इसी रूप में आकर्षित करना चाहता हूं कि भारत के अंदर सेम सेक्स मैरिज इज नाइदर रिकॉग्नाइज्ड नॉर एक्सेप्टेड इन एनी अनकोडिफाइड पर्सनल लॉज लाइक मुस्लिम पर्सनल लॉ और एनी कोडिफाइड स्टेचुटरी लॉज। सेम सेक्स मैरिज वुड कॉज कंप्लीट हैवॉक विद द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पर्सनल लॉज इन द कंट्री। परिवार, बच्चे और बच्चों का पालन पोषण भी इससे जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं तो एडॉप्शन, डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स, वाइफ राइट टू स्टे इन मैरिटल होम, इन सारे चीजों का जो संबंध है वो विवाह संस्था के साथ जुड़ा हुआ है। और साथ ही साथ उपसभापति महोदय, और इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि दो जज बैठकर इस प्रकार के सामाजिक मुद्दों पर निर्णय नहीं ले सकते हैं। संसद में इस पर डिबेट होनी चाहिए, समाज में इस पर डिबेट होनी चाहिए। कुछ लेफ्ट लिबरल डेमोक्रेटिक लोग और जो एक्टिविस्ट लोग हैं वो भारत को पश्चिम का अनुसरण करते हुए इस प्रकार के कानून को लागू कराना चाहते हैं। और इसलिए मैं सेम सेक्स मैरिज को वैधानिक मान्यता दिए जाने का विरोध करता हूं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आग्रह करता हूं कि मजबूती के साथ सेम सेक्स मैरिज के विरोध में न्यायालय में अपनी बात रखें। और मैं जुडिशियरी से भी आग्रह करता हूँ।